वेलकम यूएस, मायसेल्फ एस के पांडे, CWI इलेक्ट्रिकल TTC BLW वाराणसी। टुडे द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज मेजर इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड ऑन लोको लाइक ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, सर्किट डायग्राम, मेजर इक्विपमेंट एंड बेसिक चेक्स इंक्लूडिंग सेफ्टी। तो आज हम लोग मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेजर इक्विपमेंट्स में जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 नंबर्स है, SR1 SR2 के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर ये 2 पैनल्स में होता है, जिसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर या बर 1 एक पैनल में होता है और बाकी बर 2 एंड 3 दूसरे पैनल में होते हैं। इसके अलावा टोटल लोड कन्वर्टर ये भी 2 नंबर होता है। इसके बाद HV1 एंड HV2 पैनल क्यूबिकल ऑक्सिलरी सर्किट के लिए ये पैनल है, उसी तरह क्यूबिकल कंट्रोल सर्किट के लिए हमारा SV1 और SV2 है। इसके बाद मेन ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन मोटर, फिल्टर ब्लॉक, 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर्स एंड सिंगल फेज ऑक्सिलरी मोटर्स, NIC निकल कैड बैटरी, मास्टर कंट्रोलर। तो इस तरह से हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये फॉलोइंग्स जो PPT में दिखाए गए हैं वो ये हैं। इसके अलावा जो लोकेशंस है थोड़ा सा देख लें इस PPT में। जैसे मशीन रूम 1 में हमारा जो है SV1 है, HV1 है, बर 1 है, SR1 है, और उसी तरह कैब 2 के पीछे मशीन रूम 2 में SV2, उसके बाद HV2, बर 3 और SR2, इसके साथ फिल्टर ब्लॉक है। WAPC1 में इसकी पोजिशनिंग यानी HV1 की पोजिशनिंग चेंज हो जाती है, HV1 आ जाता है आपके मशीन रूम 2 में, और उसी तरह हमारा जो HV2 है वो चला जाता है मशीन रूम 1 में। तो अब जो है मेन इस लोकोमोटिव का जो सबसे मेन कंपोनेंट जिसको हर्ट कर सकते हैं वह है हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर। बेसिकली ये मशीन रूम में होता है और SR1 SR2 के नाम से जानते हैं। ये 2 पॉइंट स्विचिंग डिवाइस है, इसमें लाइन कन्वर्टर जिसको हम NSR और 3 फेज डाई कन्वर्टर जिसको हम ASR कहते हैं। लाइन कन्वर्टर जो होता है यह ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी ट्रैक्शन वाइंडिंग एक साइड से और दूसरे साइड में हमारा जो है DC लिंक के साथ अटैच्ड रहता है या कनेक्टेड रहता है। प्रत्येक ट्रैक्शन कन्वर्टर में 2 लाइन कन्वर्टर, DC लिंक और 3 मोटर ड्राइव कन्वर्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्रैक्शन कन्वर्टर जो SR1 होता है वह मोटर 1, 2, 3 को सप्लाई देता है जो बोगी 1 में रहता है, और उसी तरह से हमारा जो SR2 है वह TM ग्रुप 2 यानी 4, 5, 6 को देता है। ये तीनों मोटरें हमारी असिंक्रोनस टाइप की होती हैं और हर एक प्रत्येक कन्वर्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। इस ट्रैक्शन कन्वर्टर जो होता है यह सिंगल फेज 25 kV AC को 3 फेज AC वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यानी 2180 वोल्ट से वोल्टेज तक, और फ्रीक्वेंसी जो रेंज होता है 32 हर्ट्ज। ट्रैक्शन कन्वर्टर कंडक्ट करेंट फ्रॉम द कैटेनरी टू TM इन प्रोपल्शन, और जब हम रीजनरेट करते हैं तो वह 3 फेज जो पावर होता है उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हुए वह कैटेनरी वायर को प्रोवाइड करता है, यानी यह दोनों मोड में काम करता है, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग मोड में। ट्रैक्शन कन्वर्टर प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल स्पीड और टॉर्क दोनों का, जैसा कि ट्रैक्शन मोटर को देना है, और ड्राइवर के डिमांड के अनुसार ये कंट्रोल करता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर हैव देयर ओन ट्रैक्शन कंप्यूटर्स, इसका अपना कंप्यूटर होता है जो कंट्रोल भी करता है और प्रोटेक्ट करता है कन्वर्टर को, एज वेल एज कम्युनिकेट विथ SV1 के अंदर जो हमारा व्हीकल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके साथ कम्युनिकेट भी करता है थ्रू कैन इंटरफेस, और वह ऑप्टिकल फाइबर केबल मोड में हो एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन होता है। लाइन कन्वर्टर जो होता है वह सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो IGBT बेस्ड होता है, और DC लिंक जो होता है 100 हर्ट्ज रिजोनेंट फिल्टर तथा अर्थिंग स्विच, अर्थ लीकेज डिस्ट्रक्शन सर्किट, डीसी लिंक कैपेसिटर बैंक और ब्रेक चॉपर से निर्मित होता है। मोटर ड्राइव कन्वर्टर जो होता है वह 3 फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर IGBT बेस्ड स्विचिंग डिवाइस के साथ इक्विपमेंट रहता है।
एलटीसी यानी लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर का जो एक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि इस पीपीटी में है कि कन्वर्टर जो है 3000 KVA का है, नॉमिनल इनपुट वोल्टेज 1269 वोल्टेज आरएमएस, 863 वोल्टेज आरएमएस से 1523 वोल्टेज आरएमएस, और आउटपुट इसका जो है 3 फेज 2180 वोल्ट आरएमएस 0 से 150 हर्ट्ज के बीच में रहता है। दोनों ट्रैक्शन कन्वर्टर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सिस्टम टर्मिनोलॉजी में जरा देखें कि हमारा जो है लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, बेसिकली लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है यह दो लाइन कन्वर्टर से निर्मित है, और इसमें जो है LTCU लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है, जिसमें दो लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर होता है और 3 ट्रैक्शन इन्वर्टर कंप्यूटर, जिसमें मेन फंक्शन ऑफ लाइन इन्वर्टर कंप्यूटर का जो है वो यह है कि यूनिटी पावर फैक्टर, एसी इनपुट एंड मिनिमम हार्मोनिक्स, स्टेबल डीसी लिंक वोल्टेज। मेन फंक्शन ऑफ TIC इसका है इंडिपेंडेंट मोटर टॉर्क कंट्रोल, मोटरिंग ब्रेकिंग दोनों में, फील स्लिप कंट्रोल ये भी करता है। बोथ LIC एंड TIC डू फॉल्ट डायग्नोस्टिक, दोनों जो है यदि कोई फॉल्ट आता है उसको भी पता करता है बेस्ड ऑन वोल्टेज, करंट, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसर के जो सिग्नल्स होते हैं। ऑन द AC साइड जो है दे आर इच कनेक्टेड टू ए ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वायरिंग, जैसे SR1 के लिए 2E1 2E1 और 2E4 2V4, और SR2 के लिए हमारा 2V2 2E3 2V3 SR2 के लिए। लाइन कन्वर्टर जो होता है टू पल्स कंट्रोल सिंगल फेज फुल ब्रिज सर्किट्स, जो यदि हम सर्किट में देखेंगे तो A11 A12 से कनेक्टेड होता है। लाइन कन्वर्टर सेल्फ कम्यूटेटिंग होती है, यह 4 क्वाड्रेंट कन्वर्टर है। AC टर्मिनल्स ऑफ द 2 बोगी सर्किट्स लाइक A11 A12 इसके जो है कनेक्शन टर्मिनल है। दीज पल्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय पल्स विड्थ मॉड्यूलेटिंग द डीसी लिंक वोल्टेज। द फंडामेंटल्स ऑफ दीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्म द काउंटर EMF टू दी टू ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज, देयर एम्पलीट्यूड्स एंड देयर फेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दी ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इस तरह से यह क्या करता है कि हमारे पावर फैक्टर को रेगुलेशन करने के लिए, यानी यूनिटी पावर फैक्टर को बनाने में दोनों साइड में, चाहे हम प्रोपल्सन करें या ब्रेकिंग करें, यह सहायता करता है। अब आते हैं इंटरमीडिएट डीसी लिंक के बारे में। इंटरमीडिएट डीसी लिंक जो है दो मेन टास्क करता है, हालांकि यह डीसी करंट को स्मूथ करता है, और दूसरा जो है स्टोरेज फंक्शन करता है। इस तरह यह पीक करंट डिमांड ऑफ द लाइन कन्वर्टर ऑफ द मोटर, यानी इट आल्सो परफॉर्म्स द स्टोरेज फंक्शन, और इस तरह से यह पीक करंट डिमांड को एक तरह से यह फुलफिल करता है। ट्रैक्शन इन्वर्टर यह डीसी वोल्टेज को 3 फेज वेरिएबल वोल्टेज में और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट प्रोवाइड करता है। मोटरिंग ऑपरेशन में यह जो है एनर्जी जो फ्लो होती है वह डीसी लिंक से ट्रैक्शन मोटर की तरफ, और या इस कंडीशन में जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब रीजनरेशन या ब्रेकिंग मोड हम इलेक्ट्रिकल करते हैं उस समय यह अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। उस समय टॉर्क का जो रेफरेंस होता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। ये इन्वर्टर का एक तरह से मॉड्यूल है। इस तरह से इन्वर्टर जो है प्रोपल्शन साइड में हमारा डीसी वोल्टेज को 3 फेज AC वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को प्रोवाइड करता है, और जब हम ब्रेकिंग मोड में रहते हैं यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मोड में रहते हैं तो उस 3 फेज को यह डीसी में बना करके फिर जो है सिंगल फेज AC कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर को देता है, जहां से फिर यह पावर जो है वो चीज को ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम कुछ IGBT बेस्ड सिस्टम के बारे में, क्योंकि लोकोमोटिव में शुरू में GTO बेस्ड था,
तो क्या क्या जीटीओ और आईजीबीटी के बीच में एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे जीटीओ बेस्ड ट्रैक्शन कन्वर्टर चूंकि ग्रुप ड्राइव में होता था तो एक समय में सारी मोटरों को हमें बोगी से आइसोलेट करना पड़ता था, लेकिन आईजीबीटी बेस्ड कन्वर्टर में एक एडवांटेज यह है कि हम जो है इस प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं और इंडिविजुअल जो है ट्रैक्शन मोटर को या पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर सकते हैं। सिंगल एक्सल ड्राइव होता है तो इस तरह से बेटर एडहेशन परफॉर्मेंस हमें प्राप्त होता है और कंट्रोल ऑफ द ड्राइव मतलब आल्सो इम्प्रूव करता है ड्राइव के कंट्रोल को। द एक्टिव टाइप स्पीड सेंसर्स हैव बीन प्रोवाइडेड व्हिच हैव बेटर रिजोल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग सेंसर्स व्हिच कैन प्रोवाइड स्टोरिंग सिग्नल्स एट 200 पल्स पर रिवोल्यूशन। तो हमारा इस तरह से इम्प्रूव हो जाता है कंट्रोल। यह कन्वर्टर यानी आईजीबीटी बेस्ड कन्वर्टर जो होता है उसका एडवांटेज एक और है कि इसकी प्रोसेसर स्पीड काफी उम्दा हो जाती है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पीसीबी कार्ड्स होते हैं वो कम होते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस हमें मिलता है हायर टेम्परेचर पर। पावर लॉस रिडक्शन हो जाता है अप्रॉक्स 50% जो होता है पावर जीटीओ के कंपेरिजन में हमारा कम हो जाता है। उसी तरह से हमारी एनर्जी सेविंग जो होती है वो लगभग 85% के अक्रॉस होती है। 40% रिडक्शन वेट में हो जाता है और इस तरह से हम जो रिड्यूस वेट के चलते कंपैक्ट साइज कंपेयर टू जीटीओ इक्विपमेंट 60% रिडक्शन इन यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्ड्स ओनली 3 मेजर कार्ड्स कंपेयर टू 17 ऑफ जीटीओ। तो इस तरह से लोको की रिलायबिलिटी हमारी उम्दा हो जाती है। सेंसर लेस स्पीड कंट्रोल है। वाटर कूल्ड सिस्टम था सेफर सिस्टम यह है। बेटर स्लिप साइड कंट्रोल है और लेस हार्मोनिक्स। इस तरह से हमारी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इनहांस हो जाती है। अब आते हैं हम ऑक्जिलरी कन्वर्टर यानी ऑक्जिलरी सिस्टम के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो ऑक्जिलरी कन्वर्टर जो होता है वह बेसिकली 3 नंबर्स में होता है लेकिन आपको क्यूबिकल्स 2 मिलेंगे। हर की रेटिंग 132 जैसे फर्स्ट हमारा जो कन्वर्टर है ऑक्जिलरी का वह है 132 और दूसरे पैनल में ऑक्जिलरी कन्वर्टर 2 और 3 दोनों होते हैं तो उसकी 264 होती है। यह पावर जो है 1000 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर की ऑक्जिलरी वोल्टेज वाइंडिंग से लेता है और इसका जो आउटपुट होता है वह 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर जो होती है मशीन रूम में ऑक्जिलरीज उनको तथा चार्जर को बैटरी चार्जर को पावर सप्लाई करता है। और ये जो नाम इनका है यदि हम देखें तो AC1 AC2 AC3 उसी को हम बर 1 बर 2 एंड बर 3 भी कहते हैं। सिंगल फेज सप्लाई जो होती है रेक्टिफायर मॉड्यूल GG मॉड्यूल होता है अगली कन्वर्टर में और यह जो है DC सप्लाई में इसको कन्वर्ट करता है और DC लिंक टू सुप्रेस AC पल्सेज इन DC द प्योर DC सप्लाई देन फेड टू इन्वर्टर मॉड्यूल ऑक्जिलरी कन्वर्टर। तो इस तरह से जो प्योर DC होता है वो हमारा अगेन आता है इन्वर्टर साइड पे और वहाँ यह 415 वोल्ट 3 फेज में आउटपुट में कन्वर्ट होकर के जो कि वेरिएबल एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में होता है और फिर 3 फेज ऑक्जिलरी जो होती है उनको प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग यदि हम देखें तो यदि किसी ऑक्जिलरी कन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट आता है तो वह पावर जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है दूसरे कन्वर्टर पे। और एक व्यू जरा देखा जाए इस PPT में टोटल 12 ऑक्जिलरीज है और यह 415 वोल्ट से ऑपरेटेड है जिसमें ऑक्जिलरी सर्किट्स में 3 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर्स जो होती हैं वो बेसिकली जैसे ट्रैक्शन मोटर और ऑयल कूलिंग ब्लोअर्स रन तभी होते हैं जब हमारा रिक्वायरमेंट होता है। द कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट द ब्लोअर स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन द मेजर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स नॉमिनल ट्रैक्शन वैल्यूज एंड स्पीड। इसके अनुसार जो है हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको ऑन या ऑफ करता है। ट्रांसफार्मर एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप्स वर्क ये हमेशा ऑपरेटिंग मोड में रहते हैं। इस तरह से यदि हम देखें लोड डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से हमारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूशन है तो जैसे इसके 4 बेसिकली ऑपरेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन AC1 जब हमारा आइसोलेट हो जाए AC2 हमारा जब आइसोलेट हो जाए
और AC3 आइसोलेट हो जाए। तो हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में किस किस कन्वर्टर पर कौन कौन हमारे काम कर रहे हैं, इसका हम जरा व्यू देखेंगे। कि जैसे हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर जो मशीन रूम 1 में है, ये ऑगली कन्वर्टर 1 के द्वारा, और ऑयल कूलिंग ब्लोअर OCB ये मशीन रूम 2 में है, इसको जो है आपका ऑगली कन्वर्टर 1 पावर सप्लाई करता है। उसी तरह इस PPT में देखें ऑगली कन्वर्टर 2 के द्वारा, तो ऑगली कन्वर्टर 2 से हमारी बेसिकली यदि देखा जाए तो 4 मोटरें हैं, 4 ये, और आपका 4 में जो है मशीन रूम 2 में रहने लगने वाला ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, मशीन रूम 1 में जो हमारा जो है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2, ऑयल पंप 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2। इस तरह से हमारी जो है 6 ऑगिलरीज आपके ऑगिली कन्वर्टर 2 से ऑपरेट होती हैं। इसके बाद आता है ऑगिली कन्वर्टर 3, इससे मेन कंप्रेसर 1-2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 और 2, और बैटरी चार्जर। इस तरह से नॉर्मल ऑपरेशन में हमारे, तो यानी ऑगिली कन्वर्टर से हमारे 2 ऑगिलरीज, कन्वर्टर 1 से 2 ऑगिलरीज, और ऑगिली कन्वर्टर 2 से हमारे जो है 6 ऑगिलरीज, और ऑगिली कन्वर्टर से कन्वर्टर 3 से लगभग 4 ऑगिलरीज और बैटरी चार्जर, ये हमारे पावर शेयरिंग करते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में। अब जो है आगे की प्रेजेंटेशन में हम एक नॉर्मल व्यू देखेंगे किस तरह से हमारा पावर जो है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक है 7 उसका नंबर, यहाँ से हमारा पावर जो है बेसिकली बर 1 और बर 2 या बर 3 जिसको हम कह सकते हैं, ये पावर सप्लाई जाता है। तो पावर जो है HB1 और HB2 के थ्रू हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि HB1 HB2 एक पैनल है जो क्यूबिकल ऑगिली सर्किट के लिए जाना जाता है, और उस पावर को जो है जैसे HB1 और HB2 से, ये हमारा जो HB2 है और इधर हमारा जो है HB1 है, तो HB1 से हमारा जो है पावर डिफरेंट जो ऑगिलरीज हैं उनको फीड होता है। ये सारे जो है ऑगिलरीज हैं, जैसे 59 by 59.1 by 1, ये हमारा जो है बेसिकली ऑयल कूलिंग ब्लोअर का ये नंबर स्कीमेटिक नंबर है। तो जितने भी सर्किट में नंबर या ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बेसिकली उसके स्कीमेटिक नंबर, जैसे 47/2 ये बेसिकली कंप्रेसर 2 का है। उसी तरह से जो भी है डिजिग्नेटेड, ये सारे पावर्स हमारे ऑगिली सर्किट के ट्रांसफार्मर से HB1 HB2 के थ्रू बर 1 बर 2 को होते हुए ट्रांसमिट। तो इसमें ये जैसे 230 या 224 या 227, ये सारे जो है लूम नंबर है। जैसे यदि हम देखें तो HB1 से हमारा पावर जो है 63.1/2, तो 63.1/2 यदि हम देखें तो यह है हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप। तो यह पावर HB1 से MCB के थ्रू यह पावर जो है डिलीवर हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑगिली सर्किट का एक व्यू देखते हैं कि किस तरह से हमारा पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सप्लाई होता है। तो डिफरेंट हमारे ऑगिलरीज हैं, उनका लोकेशंस है, और कैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है इस PPT में रिप्रेजेंट किया गया है। अब ऑगिली कन्वर्टर का नॉर्मल ऑपरेशन जो मैंने बोला था, जिसमें ऑगिली कन्वर्टर से किस तरह से फीड हो रहा है ये दिखाया गया है। जैसा कि पहले मैंने बताया था, ऑगिली कन्वर्टर 1 से आपका जो है TM मशीन रूम 1 में जो हमारा ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 है उसको पावर जाता है, और आपका जो है ऑगिली कन्वर्टर 2 से जो पावर है वह आप देखें तो स्क्वेंजर ब्लोअर 1 TM का, और
इसको इधर बोलो टीएम का टू, फिर इसी तरह से आपका टीएम ब्लोअर वन, टीएम ब्लोअर टू, ऑयल पंप हमारा जो है आपका पावर सप्लाई फीड होता है, वाटर पंप कन्वर्टर जो है हमारा एसी थ्री से, वाटर पंप कन्वर्टर ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू से, और इस तरह से यदि हम देखें तो एसी थ्री से हमारा जो है कंप्रेसर वन एंड टू, और इसके अलावा और इसके इस पीपीटी में इधर लेफ्ट साइड देखें तो बैटरी चार्जर, तो इस तरह ये नॉर्मल ऑपरेशन है हमारा। जब जब बर वन आइसोलेट होता है तो इस सर्किट में, क्योंकि जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर वन एंड ऑयल कूलिंग ब्लोअर टू है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाता है, ये मैनुअली नहीं होता, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू पावर जो है शिफ्ट होकर के ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू पे चला जाता है। इसी तरह से आपका आइसोलेशन जब कन्वर्टर बर टू होता है तो पावर का एक दूसरे कन्वर्टर एसी वन और एसी थ्री के साथ हो जाता है, और इस तरह से जब हम बर थ्री आइसोलेट करते हैं तो हमारा इस सर्किट में देखें तो एसी वन और एसी टू के थ्रू पावर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। और जैसे ही, चूंकि सभी ऑक्सिलरी जो है तीनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर इक्वली लोडेड होती हैं, लेकिन जब कोई फॉल्ट आता है, जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर हमारा आइसोलेट होता है तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लगभग लगभग 50 हर्ट्ज से रिड्यूस होकर के 37 हर्ट्ज पे आ जाती है। इस तरह से हमारा पावर का एक दूसरे पर शेयरिंग हो जाती है। अब हमारा जैसा कि हमने बताया था कि चूंकि बर वन या बर टू के लिए जो पावर आता है वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर ऑक्सिलरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है, लेकिन चूंकि कनेक्शन के लिए दो पैनल होते हैं HB1 और HB2। HB1 हमारा मशीन रूम में इसका जो है, और HB1 जो है बेसिकली इसमें कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं, स्विचेस होती हैं, सर्किट ब्रेकर होती हैं, और जो ऑक्सिलरी असेंबलीज होती है वह इनपुट यहीं से हम देते हैं। लोकोमोटिव लाइक मशीन रूम ब्लोअर कंप्रेसर क्रू फैन कैब हीटर्स, ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स या इक्विपमेंट्स, इनको यहीं से हमारी सप्लाई थ्रू बर वन या बर टू या थ्री ये ट्रांसमिट होती है। उसी तरह हम HB2 का देखें तो ये भी हमारा मशीन रूम टू में ही स्थापित रहता है, इसमें भी कंटेक्टर्स, स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स आदि रहते हैं, यह भी जो है कंट्रोल करता है इनपुट लाइक ऑक्सिलरी असेंबलीज ऑफ लोकोमोटिव लाइक मशीन रूम ब्लोअर कंप्रेसर क्रू फैन कैब हीटर ETC। तो दोनों के लगभग देखा जाए तो पैनल बेसिकली ऑक्सिलरी को सप्लाई देने के लिए व्यवहित हैं या उपयोग में लाए गए हैं। अब आता है होटल लोड कन्वर्टर। होटल लोड जैसा कि नाम से है, इसका मीनिंग जो होता है कि जो भी व्हीकिल प्रोपल्शन के अलावा उसमें ह्यूमन ऑक्यूपेंसी एस्पेक्ट, जो भी लोड उसमें यूज किए गए हैं जैसे एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, फैन आदि के लिए, वह लोड इलेक्ट्रिकल होटल लोड के नाम से जाना जाता है। WAP7 में होटल लोड कन्वर्टर जो है वह IGBT बेस्ड है, और यह जो है इसको सप्लाई 750 वोल्ट सिंगल फेज की मिलती है, और यह 945 kVA का होता है। होटल लोड कन्वर्टर सिंगल फेज 750 वोल्ट्स को 750 वोल्ट थ्री फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई में कन्वर्ट करके यह होटल लोड डिमांड यानी ट्रेन के डिमांड को देता है। अब आता है होटल लोड कन्वर्टर जो है उसके आउटपुट को हम जो भी डिमांड होते हैं उसके वो सूटेबल वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करके, जैसे आपका लाइट्स या फैंस या एयर कंडीशनिंग है या वाटर रेजिंग अपरेटस है, उसको प्रोवाइड करते हैं। तो राजधानी शताब्दी रेक जो होते हैं उनके HOG पावर सप्लाई को हम कमर्शियल यूज कर सकते हैं। मेरिट्स क्या है, तो इसमें नॉइज पोल्यूशन नहीं है, दूसरा इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, और पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अंडर स्लंग इक्विपमेंट लाइक अल्टरनेटर बैटरी, तो वेट भी हमारा जो है कम हो जाता है और सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है। एक सेट जो डीजल अल्टरनेटर जो है विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा कमर्शियल यूज
उसको उस स्पेयर वन डीजल अल्ट्रा का यूज कमर्शियल के तौर पे कर सकते हैं। ये हमारा SB1 और SB2, जो बेसिकली यदि देखा जाए तो क्यूबिकल कंट्रोल सर्किट के लिए, कंट्रोल सर्किट के लिए हमारे स्विचिंग सर्किट ब्रेकर्स कंटेक्टर्स इत्यादि इसमें MCBs रहते हैं। और SB2 भी लगभग उसी तरह का है कि कॉन्टेक्टर्स है, स्विचेज है, सर्किट ब्रेकर्स है, इसमें रहता है। और यह जो SB2 प्रोवाइड इंटरफेस टू बोथ लोकोमोटिव डिवाइसेस लाइक पेंटोग्राफ, ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पैनल। इसके अलावा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें रहता है। अब इसमें हम देखें तो जो बेसिक SB1 SB2 के अंदर है वह है ME-C628 व्हीकल कंट्रोल यूनिट। जो जैसे SB1 में हमारा जो है मास्टर VCU होता है, और आपका जो SB2 में है वह स्लेव होता है। व्हीकल कंट्रोल यूनिट जो होता है VCU कंट्रोल्स द कंप्लीट सिस्टम ऑपरेशन बेस्ड ऑन द सिग्नल्स मेजर्ड, कमांड्स रिसीव्ड फ्रॉम द लोको पायलट, मॉनिटरिंग कंडीशंस ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट्स। द मास्टर VCU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द लोकोमोटिव एंड हैज इंटेलिजेंट इंटरफेस विद वेरियस सिस्टम्स ऑन द लोकोमोटिव। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन यूजिंग द ट्रेन बस। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा यह एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करता है और लोकोमोटिव के ओवरऑल ऑपरेशन को यह एग्जीक्यूट कराने में अपना रोल अदा करता है। इसके अलावा एक पैनल है हार्मोनिक फिल्टर, जिसको हम FB के नाम से जानते हैं। यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ मेन ट्रांसफार्मर की जो होती है कनेक्टेड होता है। इसमें बेसिकली रेजिस्टर और कैपेसिटर होता है। यह रिड्यूस करता है या सुप्रेस कर देता है हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स को, ताकि सिग्नलिंग में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। यदि हार्मोनिक फिल्टर को बाईपास करना पड़े तो लोकोमोटिव को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 40 KMPH पर ही मूव कराने के लिए कमांड देता है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। मेन ट्रांसफार्मर इसमें बेसिकली यदि हम WG9 में देखें तो 4 ट्रैक्शन वाइंडिंग, 1 ऑक्सिलरी वाइंडिंग, 1 हार्मोनिक फिल्टर वाइंडिंग, और इस तरह से हमारी 6 होती हैं। लेकिन WAP7 में एक वाइंडिंग जो है होटल लोड के लिए होती है। इस तरह से इसमें रीडिंग सब दिए गए हैं। इसका जो है यदि देखा जाए तो टोटल वेट लगभग हमारा 9,900 के लगभग होता है। और पावर सप्लाई जो है लोकोमोटिव्स के लिए SR1 के थ्रू डिफरेंट ड्राइव्स या ऑक्सिलरीज को हम इसी ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन मोटर हमारी जो है स्क्वायरल केज होती है, 6 नंबर लगती है, जिसका वोल्टेज रीडिंग और स्पीड दिया गया है। अब आते हैं हम प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। तो जैसे सारे जो हमारे प्रोटेक्शन स्कीम्स होते हैं, ऑपरेट इनिशिएशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स इन डेंजरस डेंजरस सिचुएशन आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सारे जो है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जैसे यदि हमारा अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज है तो उस कंडीशन में यह VCB को ऑपरेट करा करके पावर शट डाउन कर देता है। टेम्परेचर हमारा 84 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो वह VCB को ट्रिप करा देता है, यानी ये ऑटोमेटिकली होता है। उसी तरह से यदि आपके प्राइमरी साइड में किसी तरह का ओवर करेंट है तो QLM रिले हमारी एनर्जाइज होकर के किसी भी स्थिति में, जैसे डिस्टरबेंस इन मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी करेंट हो या कन्वर्टर में फॉल्ट हो, शॉर्ट सर्किट हो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, मशीन रूम ऑयल फ्लैश हो, स्मोक हो, OCR 78 वो हम चेक करके यदि एनीथिंग एबनॉर्मल है तो VCB ट्रिप्स ड्यूरिंग। केवल इसमें जो है सी है शॉर्ट सर्किट इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, तो इसी मोड में हम ट्रिप करती है VCB। और उस कंडीशन में जो ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर का है कि वो ऑयल लेवल जो है ट्रांसफार्मर में या कन्वर्टर में चेक करे। यदि इफ एनीथिंग इज एबनॉर्मल, यदि कोई चीज ऐसा है और मिल रहा है, तो उस कंडीशन में लोको को फेल करना जरूरी होता है। अब उसके अलावा जैसे ट्रेन पार्टिंग है तो उसमें एयर फ्लो जो है मेजरिंग वाल्व लोको में होता है, और जब भी ट्रेन पार्टेड होता है तो एयर फ्लो इंक्रीज्ड, और उस समय EFM रिले हमारी एक्टिवेट हो जाती है, LSF लैंप।
आ जाती है, और तो उस समय हमारा जो है चेन पुलिंग विल अपीयर मैसेज आ जाएगा, और बीपी प्रेशर जो है स्टार्ट एक्सपेलिंग एट वेरी फास्ट रेट रिजल्टिंग इनटू सडन ड्रॉप इन एमआर प्रेशर, और उस तरह प्रायोरिटी वन का मैसेज स्क्रीन पर आएगा। तो व्हेनेवर एफ आई शूट अप विद सडन ड्रॉप इन बीपी प्रेशर, फर्स्ट ड्यूटी इज टू एक्ट एज इन केस लोड पार्टिंग और एक्सीडेंट लाइक स्विचिंग ऑन ऑफ फ्लैशर लाइट, प्रोटेक्शन ऑफ एडजेसेंट ट्रैक, securing of load loco etc. After asserting that trailing load is okay, then think about the loco message. उसी तरह हमारा जो है फायर अलार्म का है, ये SV2 में FDU यूनिट होती है, और यदि there are two smoke detector to detect the smoke in machine room, when one detector detects the smoke, buzzer will sound, priority 2 message will appear on screen, और यदि दोनों इस करते हैं, when both detector detect the smoke, priority 1 message will appear at the screen, inspect machine room 2, throttle TV becomes 0, buzzer will sound, do the necessary arrangement to extinguish the fire by using suitable fire extinguisher provided in cab 1 or 2 and machine room 1 and 2, total 4 numbers hote hain, resetting of fire alarm, press reset button on fire detection equipment jo SV2 mein hai, press BPF hai, in case of fire on loco, use big fire extinguisher provided in the rack behind assistant driver in cab. To reset the FDU, press the white knob provided on it. To acknowledge the fault, press BPF. Resume normal traction. In case of defect in FDU, P2 fault message will appear on the screen. After inspecting the machine room, reset the white knob on the FDU. Acknowledge the fault and keep watch on machine room. Protection scheme, alarm chain pulling. अलार्म चेन पुलिंग जब होता है तो एयर फ्लो इंडिकेटर नीडल विल डिविएट, LSAF विल ग्लो, बजर विल साउंड, BPF विल इल्यूमिनेट, और P2 मैसेज आएगा। ऑटो फ्लैशर विल स्टार्ट, ACP इंडिकेशन 1, पुट राइट द ACP एक्नॉलेज, बजर विल साउंड कंटिन्यूसली अंटिल द लीकेज ACP इज अरेस्टेड, सो टू स्टॉप साउंडिंग, प्रेस BPF, इफ ACP लीकेज इज नॉट अरेस्टेड, बजर विल स्टार्ट अगेन। When ACP leakage is put right, all indications will disappear. But for BPF indication, press it once. इस तरह से हम जो है अलार्म चेन पुलिंग में एक्टिवेशन या एक्टिविटी करते हैं। पुश पुल मोड, अभी रिसेंट जो है इंडियन रेलवे में बड़ोदरा सेट जो वेस्टर्न रेलवे में आता है उसको एक इनोवेटिव प्राइज भी मिला है। ये पुश पुल ऑपरेशन होता क्या है? पुश पुल ऑपरेशन में ट्रेन के बोथ एंड पर एक लोकोमोटिव को हम अटैच करते हैं। तब पुशपुल ऑपरेशन ऑफ लोकोमोटिव इज ए कॉन्फ़िगरेशन फॉर लोकोमोटिव हाल्टेड ट्रेन्स अलाउइंग देम टू बी ड्रिवन फ्रॉम आइदर एंड। तो इस मोड में क्या होता है, वन लोको इज अटैच टू द ट्रेन एट बोथ एंड्स, द ट्रेन इज देन पुल्ड एंड पुश्ड साइमल्टेनियसली। हम यदि पुश करना चाहें या पुल करना चाहें तो दोनों काम कर सकते हैं। हेंस ट्रेन जर्नी टाइम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्रूव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारा इम्प्रूव हो जाता है, यह इसका की बेनिफिट्स है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमें संटिंग की रिक्वायरमेंट रिटर्न जर्नी के लिए जो जरूरी है उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा प्लेटफॉर्म ऑक्यूपेंसी जो टाइमिंग होती है और बिल्कुल कम हो जाती है, और इससे हमारा स्टेशन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन काफ़ी उम्दा हो जाता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राफ्ट या बफ फोर्सेज फ्रॉम बोथ एंड्स, इस तरह से राइडिंग कम्फर्ट हमारा, ये एक व्यू है जो किस तरह से हमारा पुश पुल है। यदि इसमें देखें तो वन लोकोमोटिव इज अटैच, यदि हम इसको फॉरवर्ड एंड मान लें और इसको टेल एंड, तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक लोकोमोटिव हमारा दोनों एंड पर अटैच है। और अभी जो वेस्टर्न रेलवे के अंदर बड़ोदरा साइड में इसका प्रदर्शन या ऑपरेशन हुआ है उसके चलते इनोवेटिव प्राइज भी मिला है, और इस तरह से इसके की बेनिफिट्स हमें मिले हैं। आज का प्रेजेंटेशन ओवर होता है। थैंक्स।